हेलो बच्चों बच्चों, मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस क्लास में हाई स्कूल का त्रिकोणमितीय परिचय हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि 19 वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 18 वीडियो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, वो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, a का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले तो आप देखिएगा, जो आपका न्यून कोण की बात कर रहा है, न्यून कोण, ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। न्यून कोण हम उसको बोलेंगे जो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब इनके बीच में जो भी कोण आएंगे, वो सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। बात समझ आ गई दोस्तों। तो आपका लक्ष्य करा कि जहां 2a आपका एक न्यून कोण है, चलो ये तो बाद में देख लूंगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पर पता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे यहाँ पर सर tan थीटा डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे tan थीटा होता है। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर बोल दें कि अगर cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर होता है cot थीटा। दोनों बात समझ आ गई हैं। तो यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 2a है। बात समझ आ गई। मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा tan थीटा की जो वैल्यू होती है cot 90 माइनस थीटा होता है। ये कोऑर्डिनेट में हमने इससे पहले वीडियो में सारा बता चुके हैं दोस्तों, सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, पूरा डिस्कस किया हुआ है वहां पर, ठीक है। तो tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर यहाँ पर cot ब्रैकेट में 90 माइनस का थीटा की जगह थीटा है क्या, यहाँ पे 2a है, तो 2a लिखेंगे। मतलब tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। cot 90 माइनस 2a बराबर होता है tan 2a, जो कि इस फॉर्मूले से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे हमारे पास क्या है, तो बोलोगे cot a माइनस 18 डिग्री है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, जब मैं इसको लिख दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर आप लिखकर बोल दीजिएगा, मैं फिर से पूरा क्लास फिर से ले लूंगा दोस्तों, सिर्फ आपके लिए। आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आएगा तो आप जरूर लिखिएगा, हम जरूर क्लास लेंगे दोबारा से, ठीक है। कोड से कोड कट जाएगा दोस्तों, कोड से कोड कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे 90 माइनस का 2a बचेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस का 18 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, a माइनस का 18 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा, 90 लिखो यहाँ पर, माइनस का 18 इधर आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2a है उधर जाएगा, 2a प्लस का आएगा, फिर प्लस का a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 108 आएगा, और इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 3a आएगा दोस्तों। यहां तक आपको बात समझ आ गई है। चलिएगा, अब एक काम करेंगे, ये क्या है, मल्टीप्लाई में ना 3 क्या है, 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई में है। अब 3 को मल्टीप्लाई में जब उधर भेजोगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलोगे सही, a इक्वल टू मिल जाएगा 108/3 मिल जाएगा, ठीक है, 108/3 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डिग्री है, तो ये 90 माइनस, तो 90 डिग्री लगा दो भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका ये देखिए, इसको कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 3 3
36 जाए तो कितना, एक की वैल्यू कितनी आ गई, डिग्री आ गई है, एक की वैल्यू कितनी आ गई है 36 डिग्री आ गई है, 36 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ आ गई, एक की वैल्यू आ गई, एक का मान ही ज्ञात करना है दोस्तों। अगर आपसे बोले कि 2a एक न्यूनगण है तो एक की वैल्यू क्या आई है, 36 आई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 डिग्री हो जाएंगे। तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 72 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा ना भाई, इन दोनों बीच में, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यून कोण करेगा। तो बात सही है दोस्तों, फिलहाल इसको आपको नहीं बता रहा था, आपको एक की वैल्यू बता दी थी, एक की वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो बताइए दोस्तों समझ में आ गया है, फिर से समझ लेते हैं। दिया हुआ है टेन टू ए बराबर दिया हुआ कोट ए माइनस 18 डिग्री, हमको हमने कोऑर्डिनेट मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इससे पहले वीडियो में, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बाकायदा मैंने समझाया है। मुझे पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है। अगर मैं बोलूं कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये हमने समझाया भी आपको। तो मुझे यहाँ पर चाहे आप इसको चेंज कर दो, चाहे आप इसको चेंज कर दो आंसर वही आएगा, 36 ही आएगा, 36 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टेन टू ए को चेंज किया है, टेन टू ए को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस का 2a, 90 डिग्री माइनस का 2a लिख सकते हैं, कोट से कोट कट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या बचेगा, तो बोलोगे सर a माइनस 18 डिग्री बचेगा, a माइनस 18 डिग्री। तो हमने क्या किया, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ और नंबर को नंबर के साथ मैंने अरेंज किया है। जब मैंने इसको सॉल्व किया है a बराबर कितना आ गया है, 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री आ चुका है दोस्तों। तो बताइए आप लोग को समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में s लिख के जल्दी बताइए कि आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा मतलब इस प्रश्नावली का फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने इस बोर्ड पे उतार दिया है। प्रश्नावली 8.3 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चंस बता दिया, प्रश्नावली 8.3 का तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिया हुआ है यदि 10a बराबर cot b है, यदि 10a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं। 10a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, cot b दिया हुआ है। अभी हमने बताया था आपको कि अगर आपके पास cot 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप इसको 10 थीटा लिख सकते हो। ये फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला होता है, ये पहले कोऑर्डिनेट में है, हमने सारे डिस्कस कर लिया है दोस्तों। ठीक है, वीडियो का लिंक पड़ा होगा, आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है दोस्तों। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज का हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग का साथ बहुत जरूरी है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा आप शेयर करिए इस चीज को, इस क्लास को, ताकि उन सब बच्चों के पास पहुंचे जो बच्चे हाई स्कूल में अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो हम लोग 10a को लिख सकते हैं, अगर मैं बोल दूं कि cot a के लिए, अगर हम बोल दें कि यहाँ पर 10 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। चाहे आप कोट थीटा को चेंज कर दो इसमें, चाहे आप इसमें चेंज कर दो। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन को 10a चेंज किया था ना, 10 2a को चेंज किया था, अब हम लोग कोट b को चेंज करते हैं। तो 10a को ऐसे एजिटेज लिखो, 10a को एजिटेज लिखो, कोट b को आप लोग क्या लिख सकते हो, बस थीटा की जगह पे क्या है, b है ना, थीटा की रिप्लेस करके हम लोग ने क्या लिखा है, बी। एंगल अलग अलग हो सकता है ना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो होगा वही तो यूज करेंगे। तो यहाँ पर cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वो लोग सर जी 10 90 माइनस का b हो जाएगा, 10 90 माइनस का b क्या हो जाता है, cot b हो जाता है। अगर 10 से 10 कट जाएगा तो बताओ a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का b हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 90 डिग्री माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b इधर है ना, हमको इधर लेकर आओ, मुझे इधर लेकर आओ, a रिप्रेजेंट पहले से है, माइनस का b है तो इधर आएगा तो b हो जाएगा, प्लस का
बराबर 90 डिग्री। बताओ ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएंगे तो आप उड़ा दोगे। मेन चीज क्या है, आपको ये जानना जरूरी है कि ये आपका इसमें चेंज होता है, ये आपका इसमें चेंज होता है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। तो ये दोनों आपको फॉर्मूले पता हो और आपको पूरा फॉर्मूला चाहिए तो वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको, वहां लिंक दे देंगे, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको उतार लीजिए आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे उतार दिया है। अगर ध्यान होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, जो क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है। अगर 3 आपने समझ लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि sec 4a बराबर cos a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, sec 4a बराबर दिया हुआ है cos a माइनस का 20 डिग्री दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई, जहां 4a एक आपका न्यून कोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगर आपके पास sec थीटा दिया हुआ है तो आप इसको cos 90 माइनस का थीटा आप लिख सकते हो। अगर आपके पास cos थीटा दिया हुआ है तो इसको sec 90 माइनस का थीटा लिख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले रिप्रेजेंट कर दिए हैं, मैंने दिखा दिए हैं। तो किसी एक को भी चेंज करना है तो चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए। चलिए मैं उधर वाले को चेंज करता हूँ। यहाँ पे sec 4a लिखा हुआ, 4a लिखा रहने दीजिए यहाँ पर। और cos को चेंज करना है, cos ये पूरा दोस्तों क्या है, ये बोलो को पूरा थीटा है, क्या है, ये पूरा थीटा है। तो मैं cos थीटा बराबर क्या होता है, sec होता है, ठीक है। और 90 माइनस का थीटा की वैल्यू क्या है, तो बोलो कि सर जी a माइनस का 20 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई, a माइनस का 20 डिग्री है। यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। तो एक काम करिएगा, sec से sec कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4a बचेगा। तो यहां पर आप ब्रैकेट ओपन कर दो, 90 डिग्री माइनस का a प्लस का 20 डिग्री, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, 4 यहाँ पर माइनस का a है, इधर लाओगे तो क्या होगा दोस्तों, बोलोगे प्लस का a हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस का 20 डिग्री जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। इनको दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 5a बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। तो बताओ a बराबर कितना आएगा दोस्तों, a बराबर आपका आएगा 110/5 आ गया है। तो a बराबर जब कट करोगे कितना आएगा, 5 × 10 22 डिग्री आ गया है, 22 डिग्री आ गया। अगर चेक करना चाहते हो कि 4a एक न्यून कोण है, अगर a की वैल्यू 22 डिग्री हो गई तो 4a की वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 88 डिग्री आ जाएगी, मतलब 0 डिग्री से बड़ी, 90 डिग्री से छोटी, इनके बीच में तो 88 डिग्री आ रही है। इसका मतलब कि 4a आपका न्यून कोण है। आंसर फिलहाल आपको 22 ही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 22 आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखे हैं। तो आप लोग से उम्मीद यही करते हैं कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा दोस्तों। आप लोग के पास भी अगर कोई भी सवाल है इस चैप्टर के तो आप कमेंट में जरूर सवाल को पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। और दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि क्लास अगर आपको सही लगा है, आपको क्लास समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को आप अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए कल हम लोग इसी समय कंटिन्यू क्लास करेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।